那么。 मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुत्यं शुकपरिविलसन् मा प्रणाम सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आइए आज हम लोग शुद्र रोग में कल हम लोगों ने युवान पीढ़ का मुहासे के बारे में पढ़ा था और वो बहुत जरूरी है बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हमें पूरा अच्छे से व्याधि समझ आती है तो चिकित्सा करना आसान हो जाता है और कभी भी ऐसा मत करे कि एलोपैथी डॉक्टर की तरह आप लोग बैठे अगर किसी का यूरिया बढ़ गया क्रेटनिन बन गया बढ़ गया तो आप क्या गोली दोगे ऐसा मत सोचिए कभी भी केस टेकिंग करिए हेतु निकालना बहुत जरूरी है वो क्या क्यों हुआ है ऐसी संप्राप्ति अनशांश कल्पना से हेतु निकालिए संप्राप्ति निकालिए फिर उससे को रिलेट रिलेटेड लक्षण केस टेकिंग में कभी भी ऐसे आलतू फल जो भी आप केस टेकिंग करते हैं ना उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें वो व्याधि क्यों हुआ है ये जानना है ऐसा नहीं कि आप क्या पढ़ाई किए क्यों पढ़ाई की वो ठीक है वो सब सेकेंडरी चीजें हैं हमारे व्याधि से रिलेटेड ही बातें करना चाहिए केस टेकिंग में बहुत सारी आलतू फालतू बातें नहीं करना चाहिए पेशेंट को इरिटेट नहीं करना है कभी भी ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं पद्मिनी कंटक के लक्षण 34 नंबर का जो श्लोक है ये आप लोग पढ़िए ये बता रहे हैं कि कंटक राचितम वृत्तम मंडलम पांडुरक पांडुक कंडुरम पद्मनी कंटक प्रख्य तदाख्यम कवातजम कफ और वायु के प्रकोप से एक गोल पीला चकत्ता पड़ जाता है उसमें खुजली होती है और उसके आसपास कुछ कांटे से निकलते हैं इसको पद्मिनी कंटक कहते हैं टीकाकार क्या बोलते हैं कि पद्मनी कंटक माह कंटक इत्यादि तद आख्यम मिति पद्मनी, पद्मनी कंटक आख्यम कंटक के लक्षण लिखते हैं कंटक इत्यादि मतलब तदार तदाख्यम अर्थात पद्मनी कंटक नामक वाला रोग होता है यदि कफ वाद के प्रकोप से मुख मंडल पर कमल नाल में होने वाले छोटे छोटे कांडों के समान अथवा कमल कोश में होने वाले कमल बीजों के सिरों के समान नोकदार एवं पांडुवर्ण के कांट, कंडु यूत, कांटे कंडे उत्पन्न हो जाए तो उन्हें पद्मिनी कंटक कहते हैं प्रचलित भाषा में इन्हें मसरी कहते हैं हैं और बोलते हैं कि कमल कंटक जैसे दिखने वाली वृत्त मंडलाकार पांडुवर्ण की और कंडु युक्त पिडका को पद्मिनी कंटक कहते हैं ये शरीर में कहीं पर भी हो सकती है और इसकी चिकित्सा क्या बताई है तो एक मिनट रुकी ग्रंथों में इसकी चिकित्सा बताई है इसकी चिकित्सा ये बताई है कि बात होने की वजह से शुरू में स्वेदन देना चाहिए स्वेदन के बाद मनशिला हरताल देवदार इनका लेप करना चाहिए जब ये पक जाए पक्वावस्था प्राप्त होने पर भेदन करके व्रण शोध के समान चिकित्सा करना चाहिए और इसमें पद्मिनी कंटक में कांचनार गोकुल 500 मिलीग्राम मतलब अगर एक रत्ती की गोली है तो चार चार गोली सुबह शाम दे दिन में तीन बार शहद के साथ देने से पद्मिनी कंटक ठीक होता है और कोई भी शुद्र रोग है ना उसमें आ जो भी आप चिकित्सा करें दीपन पाचन अनुलोमन और उसके बाद में व्याधि प्रत्यनिक ऐसा करने से वो व्याधि ठीक हो जाते हैं उसी तरह से अब ये शुद्र रोग है तो छोटे छोटे जगहों पे ही हो रहा है बहुत बड़ा व्याधि नहीं है लेकिन ये भी आ, मतलब कॉस्मेटिक पर्पज से भी ये खराब है और कोई भी व्याधि नहीं होना चाहिए इसके बाद में आ रहे थर्टी फाइव नंबर का श्लोक मणि के लक्षण मणि के बारे में क्या बता रहे हैं मरुजम मंडलम कफ रक्तजम सहजम लक्ष्म चैकेशम लक्ष्यो जतुमणिस्तु उत्साह मतलब कफ और रुधिर के विकार से कुछ ऊंचा देह के ही समान रंग का मंडल पड़ जाता है इस लक्षण को कुछ आचार्य अंग भेद से शुभ अशुभ फल का सूचक बताते हैं यह जन्म से ही होता है इसे जतुमणि लक्ष्म और लह लक्ष, लक्ष्य, लहसन कहते हैं इसमें पीड़ा नहीं होती है तो एक डॉक्टर मेरे पास आई एमबीबीएस एमडी वो बोली कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को एक कोई महाराज जी थे उन्होंने कहा था कि आपको ना ये बच्चा जब होगा ना बेटा होगा और बच्चा होगा तो उसको पीठ पे वाइट मार्क बर्थ मार्क रहेगा और वो ओमकार की तरह रहेगा तो मैंने वो बोली मुझे विश्वास नहीं था लेकिन मैंने देखा तो सच में मेरे बेटे को ओमकार था तो ये बर्थ मार्क जैसा रहता है इसमें कफ और रुधिर के विकार से कुछ ऊंचा देह के समान रंग का मंडल पड़ जाता है और ये ना बर्थ मार्क टाइप ऐसे बोलते हैं इसमें पेन वगैरह नहीं होता है तो जतुमणि महा समम इत्यादि समम मसुणम उत्सन्न मुद्रितम अथ जटुल इति लोके प्रसिद्ध कफरक्तजम् तो इति प्राधान्येन उक्तम तेन चरक उक्तम त्रिजोजत्त्वम मप्यत्ोत्पन्नं भवति यदुक्तम तेन कृष्णस्निग्दोजत् मणिरगेव बात उत्तरै स्त्रीभिः अरुञजम् त्वक् त्वत् प्रसेप्टम इति सहजम् लक्ष्म चकेशम् एक आचार्याण मतेन सहजम लक्ष्मण स्त्री पुंसोरंग भेदेन शुभा अशुभ फल प्रदम सहजम शरीर सहजातम जन्म काल प्रवृत्ति मितर्थ जतुमणि के लक्षण कहते हैं समम इत्यादि सम, सम अर्थात मुलायम चिकना उत्सन्न उभरा हुआ और इसे लोकभाषा में जटुल कहते हैं कफ रक्तजम अर्थात कफ और रक्त यह दोनों इसके प्रधान कारण होते हैं यूं तो चरकाचार्य जी ने इसे त्रिदोषजन्य भी बताया है जैसे भी कहा है कि वाद प्रधान त्रिदोष प्रकोप से स्निग्ध और कृष्ण वर्ण का चिन्ह होता है इसे कहते हैं दूसरे आचार्य इस चिन्ह को लक्ष्म कहते हैं सहजम लक्ष्म चेकेशम अर्थात कुछ एक आचार्यों के मत से यह सहज लक्ष्म मंडलाकार चिन्ह स्त्री पुरुष के अंगे से शुभाशु फल को देने वाला होता है सहजम अर्थात जो शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ हो अथवा जन्म काल से ही जो दिखाई देता हो कफ और रक्त इन दोनों के प्रकोप से शरीर के किसी भाग पर चिकना और कुछ उभरा हुआ मंडलाकार चिन्ह दाग होता है जो प्रायः गहरे लाल रंग का होता है वह दाग प्रायः सहज अर्थात होता है मतलब पैदावेश जो है ना बर्थ मार्क होता है इसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है यह स्त्री पुरुष दोनों को ही हो सकता है स्थान विशेष जैसा स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न अंगों में उत्पन्न होकर या अत्यंत उत्कट शुभाशुभ लक्षण वाला होता है अर्थात कोई व्यक्ति तो इतने भाग्यशाली हो जाते हैं उनके धन-धान्य की अपार वृद्धि होती है और कई व्यक्ति ऐसे देखे जाते हैं जिनकी दरिद्रता अथवा भागीनता का अंत ही नहीं पाया जाता है इसका प्रभाव केवल उनसी पर पड़ता है जिसको यह होता है प्रदत्त परिवार जनों पर भी उसका समान रूपेन प्रभाव पड़ता है सॉरी प्रायः इसके संबंध में एक ऐसी किंवदंती है कि दृष्टि से ओझल अंग में होने वाला यह शुफल प्रद होता है प्रति समय दृष्टिगोचर होने से मुख आदि अंगों में निकलने वाला यह अशुभ फल प्रद होता है लोक भाषा में आम बोलचाल इसे लहसन कहते हैं आप लोगों ने ऐसे देखे हैं क्या आप लोगों ने बर्थ मार्क के पेशेंट देखे हैं डॉक्टर वीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे आपने कभी देखे हैं बर्थ मार्क कुछ ऐसे ओम का निशान बना रहता है या कुछ तो अजीब मतलब ऐसा चीज होता है जो हम ऐसे नॉर्मली नहीं समझ सकते हैं अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या कुछ आप लोग को ध्यान में है मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं मार्क कहते हैं कभी कभी बॉडी में कहीं तो ऐसे लगता है कि ब्लैक स्पॉट आ गया वो बर्थ मार्क रहता है टीका कार ऐसे बोलते हैं कि त्वचा तो के समतल या अत्यल्प उन्नता उन्नतता वाले पीड़ा रेत का रित मंडल को जतुमंड कहते हैं चरक ने इसे त्रिदोषज माना है उस आचार्य को मतानुसार यह सहज और जन्मजात व्याधि है और यह शुभाशुभ लक्षण सूचित करता है कुछ ग्रंथों में से जटुल या जदुल नाम दिए गए हैं शार और अग्नि की सहायता से दहन कर्म या निशेषता निर्धारण करना चाहिए या प्लास्टिक सर्जरी करना चाहिए अगर वो खराब दिख रहा है तो प्लास्टिक सर्जरी करें नहीं तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं है बर्थ मार्क है आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ये सब लोग स्त्रियों साइड में होता है तो अच्छा होता है पुरुषों के होता है तो अच्छा होता है किसी के छाती पे होता है किसी के पीठ पे होता है कई लोगों के हाथ में होता है कई लोगों के हाथ में बिल्कुल बीच में हथेली के हथेली के ऊपर भी चिन्ह बनता है एक विशेष प्रकार का तो उसको भी राइट लेफ्ट ले के लेकर चलते हैं लोग जी और ये बर्थ मार्क है इसको हम लोग वो डिनाई नहीं कर सकते होता, होता है जी आप लोगों ने और कुछ अनुभव देखा है तो बताइए ठीक है तो अब आते हैं मस्सा जिसको हम मशक बोलते हैं मस्सा होता है आप लोगों ने देखा होगा जो बचपन से होता है या बाद में आता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अवेदनम स्थिरम यस्मिन गात्रे प्रदृश्यते महाश्वत कृष्ण मुत्सन्नम वायु के प्रकोप से कफ और दूषित होने से उड़द के समान काला उच्चा मस्सा निकलता है इसमें पीड़ा नहीं होती निश्चल रहता है इसे मशक या मस्सा कहते हैं इसके बारे में आप लोगों का क्या अनुभव है कृपया बताइए मस्सा आप लोगों के उसमें है क्या किसी को है तो मशक के बारे में बताइए नहीं तो मैं टीका बताता हूँ मशक लिंगम अवेदनम इत्यादि स्थिरम कठिन मिति गये दास अचल मि युक्त भोज मृद्युति पाठा शब्दात इते दिखाई माश शब्दाते प्रतिकृतो कन रुक्त ह्रस्व अतः अकारेण कफ मेधसो समुच तथा चोजे त्वचिधसी तो लक्षण मृदु सवर्ण चु मशक मतलब मशक के लक्षण कहते हैं अव अवेदनम इत्यादि गयदा स्थिर अर्थ शब्द का अर्थ कठिन मानते हैं मत से स्थिर का अर्थ अचल ठीक प्रतीत होता है क्योंकि भोजन इसे मृदु का है मशकमा मास शब्द से प्रतिकृतो कन इस व्याकरण सूत्र से कन प्रत्यय हो जाता है नैरक्त विधि से मकार के रहस हो जाने से मशक रूप बनता है अर्थात मास शब्द से कन प्रत्यय लगने से माशक शब्द बनता है और बता रहे हैं कि उड़द या चने के दाल के समान उभरा व काले रंग का शरीर का किसी भी भाग में पीड़ा रहित और निश्चल सा उभार उठ जाता है इसे मशक कहते हैं आम बोलचाल में इसे मस्सा कहते हैं या महुक्का कहते हैं यह मशक वायु के प्रकोप से होता है जबकि वायु कफ और मेद से दूषित कर देता है तो मत्स्य के बारे में आप लोग का क्या मत है, है। ये में बहुत सारे तो गर्दन पूरे शरीर में बहुत जोर से निकलता है एक, एक, या, जनरली हमारे यहाँ एक चोटका करते हैं कि बैंगन बैंगन जो है उसको माँदे पे चढ़ाते हैं और वो मिट जाता है पता नहीं उसका क्या कारण है अच्छा सारे अच्छा और कुछ लोग तो जैसे पुराने लोग तो ये तो कहते थे किसी के मुंह पर थूकोगे तो फिर तुम्हारे मस्से हो जाएंगे अच्छा ऐसा भी ठीक है।, है वीना आप कुछ बोलना चाहती हैं मस्सा के बारे है मशक तो तकलीफ देने वाला नहीं रहता है पेन नहीं रहती मगर कॉस्मेटिक वो अच्छा नहीं दिखता हाँ बराबर इसके इसके चिकित्सा क्या है सर इसकी चिकित्सा कुछ नहीं अग्नि कर्म करना होता है या शार कर्म करना होता है या शस्त्र कर्म हाँ, सर मेडिसिन को ये वो चिक चिक नहीं है उसे काट देते हैं उसको कट जाता है वो हाँ शार सूत्र से भी हाँ घोड़ा का जो बाल होता है वो टाइट होता है जो गर्दन पे बाल होता है उसका उसको उसके उससे बांध देते तो कट जाता है वो हाँ घोड़े के बाल जी तो इसका कोई मेडिसिन वाला नहीं है ऐसे बोलते हैं कि जो की मास होते मत से आते हैं लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं रहता है ऐसे मेडिसिन से तो नहीं रहता है शार कर्म भी कर सकते हैं या फिर हम लोग शस्त्र कर्म करते हैं यही है आ, तो, या तो मैं बता रहा हूँ उस तरह से काट देते हैं एक दो हो तो उस तरह काट देते हैं ज्यादा हो तो फिर चूना और नौसादर मिला के उसको लगा देते हैं उससे भी उससे भी कट जाते हैं ये हाँ। और अग्निक्रम भी करते हैं अपन लोग बराबर और ज्यादा ये ये कि टोटका करते हैं पता नहीं वो कैसे सही हो जाता है लोगों के सही भी हो जाते हैं वो हाँ और दूसरा जो लोग अभिषंध्य पदार्थ करते हैं दीवा स्वाप करते हैं मेधोस्त्रोत की दुष्टि मासव स्त्रोत की दृष्टि के सारे हेतु का कर सेवन करते हैं उनको बहुत जगह आ जाते हैं मस्त से वर्ड्स ऐसे बहुत जगह आ जाते हैं उसमें सर बैंगन में या तो कोई ऐसी चीज होती है बैंगन छोड़ने के बाद यदि बैंगन छोड़ने के बाद मिटते हैं वो जी सर वो ऐसा जी क्यों होता है पता नहीं एक तरह प्रण लेके आते महादेव जी के मंदिर में गए वो प्रण मान लो कि वो बैंगन नहीं खाएंगे और बैंगन नहीं खाने से जैसे छह महीने साल में वो जब वो खत्म हो जाते हैं बिल्कुल या तो बैंगन में कोई ऐसी चीज होती है जिसके कारण वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि अपन उसको साइंस तो उसका मतलब यही निकलता है आप टोटका तो, तो कुछ भी हो वो एक तरह से प्रतिज्ञा करके आते हैं मंदिर में तो बस कि हम बैंगन नहीं खाएंगे ठीक अच्छा। है आगे बढ़ते हैं तिल कालक के लक्षण जिसको न तिल तिल होते हैं ये भी शुद्र रोग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्णा ने तिल मात्राणी निरुजानी समाणिच वात पित्त कफो शोशास्ता

तिल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को एक ऐसे पर्टिकुलर जगह पे तिल रहता है तो उनको उसका फायदा होता है टीकाकार क्या बोलते हैं तिल अलग लक्षणम माह कृष्णा इत्यादि वात पित्त कफोत शोषात पाठे वात पित्ताभ्याम हेतुभ्याम कफ कफस्य शोषा शोषणम तस्मात अन्य चरकम् दृश्वा वातपित्ताकु गुच्छ शोषाद इति पठन्ति तथा च चरकः यस्य पित्तं प्रकुपितं शूनितं प्राप्त शुष्यति तैलका दीपलवा बंगा नीलिका चास्य जायते चरकसूत्रसान अध्याय अठारह इति अस्मिन् वचने वातोपव्य तो गन्तव्यह तेनापि शोषस्य क्रियमाणत्वात् अन्य अपि तन्त्रान्त्रं दृश्वा वातपित्त कफोत्सेकाति इति उत्सेकात अत्युद्रेकात तथा ही तंत्रान्तरम मारुत अपित्तमादाय कफ रक्त समाश्रितः चिनोति तिल मात्राणि त्वचिते तिलकालकः इति किव तस्मिन् नपि तन्त्रे कफ रक्त समाश्रित इत्यनेन कफ रक्तयोराशित् वातेन पित्त सहितेनोच्छोषादेव तिलकालके प्रश्नस्य संभव अवगम्यते ततस्य बाद्पित्तकपशोषात इति पाठो युज्यते वात पित्त रसोद्रे का तिथि पाठांतरम तिथ के लक्षण कहते हैं कृष्णा नित्यादि वात पित्त कफुश हो जाता ऐसा पाठ होने से इसका अर्थ यह होता है कि कारणभूत वात और पित्त और इनके प्रकोप से जब कफ का उच्छोष व शोषण हो जाता है तब तो उसको तिरकालक कहते हैं अन्य आचार चरक को देखकर वात पित्त तो शोषात ऐसा मानते हैं जिस चरक भी ऐसा मानते हैं कि जिस व्यक्ति का पित्त रक्त में पहुंचकर सूख जाता है मतलब पित्त जो है वो रक्त में जाके सूख गया वो भी कैसे सूखा तो वात और पित्त के वजह से उस व्यक्ति के शरीर पर तिलक विप्लव अंग और नील का आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं चरक के इस वाक्य में वायु का अनुबंध भी समझ लेना चाहिए क्योंकि वह भी शोष करने वाला होता है अन्य आचार तंत्रांतर के अनुसार वात पित्त से इस प्रकार का पाठ मानते हैं यहाँ पर उत्सेक का अर्थ उद्रेक होता है अर्थात वाद पित्त और कफ इन तीनों दोषों के उद्रेक व प्रकोप से तंत्रांतर में भी लिखा है कि वात और रक्त के में वायु पित्त को लेकर त्वचा तो अच्छा में तिल के समान चिन्ह उत्पन्न कर देता है यह तिलकालक होते हैं किंतु इस पाठ का भी समन्वय इस प्रकार से होता है कि पित्तुक्त वायु जब कफ और रक्त में समाश्रित होकर इनको सुखा देते हैं तभी तिलकालक में कालापन आ सकता है ऐसा समझना चाहिए इससे तो यही अच्छा है कि वाद पित्त कफ शोषात ऐसा पाठ को माना जाए क्योंकि यही पाठ सरल एवं संगत प्रतीत होता है वाद पित्त रसोद्रय का पाठांतर भी पाया जाता है शरीर में जब वायु और पित्त होकर कफ को सुखा देते हैं तब तो सारे शरीर में काले तिलों के समान छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं यह निशान त्वचा में मिले हुए ही रहते हैं अर्थात उठे हुए या उभरे हुए नहीं रहते हैं मतलब उनका जो ये है धरातल वो त्वचा के बराबर ही रहता है मशक कैसा है ऊपर उठा हुआ रहता है लेकिन तिल जो है ना वो काला तिल स्पॉट आएगा वो वैसे के वैसे स्किन के बराबर ही होगा और जो अधिक वर्ण के व्यक्ति हैं गोरे लोग हैं उनको यह असंख्य भी हो सकते हैं ये शेर को कुरूप सा बना देते हैं अगर बहुत ज्यादा हो तो किंतु है मोबाइल वर्णले जो है जो मतलब सामले लोग हैं उनमें विशेष स्थान पे होने वाला यह तिल शोभा और सौभाग्य का सूचक माना जाता है गोरे लोगों को भी अगर हो रहा है ना तो एक दो हो तो ठीक है लेकिन ये ज्यादा है तो तकलीफ देता है व्यवहार में इसको तिल कहते हैं कफ और पित्त द्वारा कफ का हो जाता है तो है है तो त्वचा त्वचा में तिल जैसा पीड़ा रहित धब्बा आता से समतल दाग रहता है। और इसकी कोई चिकित्सा नहीं है जन्मोत्तर तिल कालक के लिए शार अग्निगम निर्हरण चिकित्सा की जाती है अगर तो कॉस्मेटिक करना है तो आप सर्जरी कर सकते हैं लेकिन यह शुभ माना जाता है हमारे आ, आ, मतलब हमारे आयुर्वेद के हिसाब से या ग्रंथों के धर्म के हिसाब से आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तिलकालक के बारे में वो शुभ अशुभ दोनों ही होता है सर और ये बहुत है, गहरा गहरा नहीं होता बहुत ऊपर ही होता है इसको यदि थोड़ा सा अपन सुई से भी कुरेद के निकाल निकाल सकते हैं उसको हल्का सा ऊपर से कट करके निकल आता है वो हाँ। और सफेद सबस, सफेद ऐसे मलसा निकलता है वो इस तरह से निकलता है उसमें जब अपन निकालते हैं उसको तो अंदर कुछ लोगों को ना आफ्टर मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना तो तिल बहुत ज्यादा आने लगते हैं तो उसमें पित्त की विरेचन चिकित्सा और रक्त शुद्धि करने के चिकित्सा देना अच्छा रहता है कि वो और ना बढ़े मतलब बहुत ज्यादा तिल तिल तो चाहती है इस पर तिल के बारे में और... नहीं तिल ती... आकर जाते हैं सर कम होते हैं फिर और फिर आ जाते हैं ऐसा होता है हाँ होता भी है और कभी वे परमानेंट तिल आ जाते हैं हाँ जी ठीक है और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं जी सर प्रणाम सर हाँ जी बोलिए मैम ये सर सर एक्चुअली uh, मेरी प्रकृति है पित्तज प्रकृति है और uh, वो कलर जैसा आप बोल रहे हो ना कि ये अत्यधिक जैसे हम लोगों का कलर सफेद है तो उसके वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा है और ये हेरिडिटरी है मतलब आप देखोगे आप मेरी सारी फैमिली में ही ऐसे हैं मतलब मेरे uh, जो मम्मा के पापा हैं उनके बहुत ज्यादा थे अभी मम्मा के बहुत ज्यादा इवन मेरे बहुत ज्यादा है मेरे के बहुत ज्यादा है तो ये आपकी प्रकृति भी है और आपका कलर भी है उसकी वजह से भी शायद ये चीजें होती है और जब आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ करना पड़ता है ना हमें कि राइट मोल ऑन चीक मतलब चेहरे पे राइट साइड में ये है या लेफ्ट साइड में है ऐसे बर्थ मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो करने के लिए दिया जाता है मैं एल आई सी के बोलू सर हाँ बोलिए एल आई सी के पैनल पर हुई सी के, तो के फॉर्म में मार्क भरना पड़ता है अच्छा हाँ ठीक है मैम ये न बर्थ मार्क जो है तिल है मस्सा है इन सब के बारे में आ, मतलब अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं या पुलिस में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो आई कार्ड पे लिखा रहता है कि इनको इस तरह से पहचाने मतलब कोई डुप्लीकेट बन के ना आ जाए इसीलिए जी आगे पढ़ते हैं न्यच के लक्षण तो इसमें ये भी एक्ने टाइप है महद्वा यदिवा वा यदि आ, वा चालपम श्यावम वासितम निरुजम मंडलम गात्र मित्य भी दिए थे देह में छोटे बड़े काले और नीले से पड़ जाते हैं इसमें पीड़ा नहीं होती है इसको नच न्यच या लक्षण कहते हैं ये भी जन्म काल से होते हैं भोज का मत है कि पित्त रक्त युक्त वायु के विकार से ये होते हैं नेक्स्ट जो रहता है ना ये व्यंग को एक नहीं बोलते हैं वो आगे आएगा लेकिन ये नेक्स्ट है इसमें ऐसा बता रहे हैं कि नेक्स्ट लिंगम माह महद इत्यादि असितम कृष्णम निरुजम मंडलम इत्यस्य स्थाने सहजम मंडलम इति केचित पठंती तेन जन्म काल प्रवृत्तम अत एव पर्याये आ, आ, अत्र एव ने चेस्ते पर्याय लाञ्चनं तहे पठ्यते यथा नच्छम लाञ्चनं उच्यते इति लाञ्चनं लक्षणं अत्र भोजवचनात पित्त रक्तान्विनतो वायुः कारणं यदा रक्तपित्तान्विनतो वायुस्वाक प्रदेशाश्रितो यदा जन्मेत जन्मेन मंडलं कृष्णं श्यामं वा, वा स्वच्छमादिषेत् इति अत्र श्यावत शैवत्व पक्षे मुखेतर देश एवं संभव बहुत नव यादांग्याद भेदो अवगंतव्य नेच के लक्षण कहते हैं इत्यादि असितम का निरुज मंडलम इनके स्थान पर कुछ आचार्य सहजम मंडलम ऐसा पाठ मानते हैं इसके अनुसार नेच की जन्मकालिक मानते हैं इसलिए ये लोग नेच के पर्याय में लांछन पाठ स्वीकार करते हैं यथा नेच लाछनम मुच्यते अर्थात नेच लाछन कहा जाता है लाछन लक्षण को कहते हैं इसमें भोज के वचना अनुसार पित्त तो और रक्त के रक्त से मिश्रित वायु कारण होता है कहा भी गया है कि चरक की आ, कहा भी गया है कि रक्त और पित्त के युक्त वायु जब कुपित कुछ त्वचा तो में व्यवस्थित हो जाते हैं तब त्वचा पर काला या श्याम वर्ण का मंडल उत्पन्न कर देते है इसे कहते हैं इसे श्याव मान लेने पर मुख के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर प्राय उत्पन्न होने कारण व्यंग को इसे भिन्न समझना चाहिए शरीर के किसी भाग पर गहरे रंग का या बिल्कुल काला दाग पड़ जाता है यह छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है अच्छा ये काला दाग जो है गहरे रंग का इस कई ऐचार्य से जन्मजात हैं इसको भी लोक भाषा में जतुमणि के बाद लहसन ही कहा जाता है ये ब्लैक रहता है पूरा जतुमणि कुछ उभरा हुआ रहता है और नच जो है बिल्कुल सपाट होता है तो नच के बारे में बोला है कि इसकी कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है और यह सहज व्याधि है बर्थ मार्ग है इसमें शेर पर छोटा है बड़ा या कृष्ण वर्ण का मंडल जन्म से ही होता है पित्त रक्त और वायु से इसकी उत्पत्ति को कारण मानते हैं कभी कभी किसी के बटक पे होता है काला सा एकदम ऐसा पूरा बहुत बड़ा सा ब्लैक ऐसा होता है आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं अगर नहीं कहना है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं हाँ बीना मैम जबान के ऊपर भी ऐसा काला दाग रहता है तो वो जो वाणी कहता है वो सच होती है है जी, है जी ठीक तो आ, हम इस पे और बात करेंगे कल बात करेंगे अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं ठीक है और न, न, बजे आप लोग मिलिए जो भूत ग्रह प्रतिशत अध्याय जो है अष्टांग हृदय का हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना और जानना तो सात बजे जरूर ज्वाइन हुई आप लोग मैं लिंक आईडी दे दूंगा ठीक है थैंक यू प्रणाम सभी लोग को